हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड। स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से करंट अफेयर्स के बारे में, और करंट अफेयर्स रिलेटेड है इंडिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी मिनिस्टर्स हैं मिनिस्ट्री में, उन सभी के बारे में बात करूँगा आज डिटेल में। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन अध्यक्ष हैं या कौन कौन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कौन हेड हैं या चेयरमैन हैं, उन सभी को डिटेल में मैं यहाँ डिस्कस करूँगा सभी का नाम। तो आप वीडियो को प्रॉपर पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बड़ी वीडियो होगी ये, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिल सके। जितने भी कमिंग एग्जाम हैं कॉम्पिटिटिव, सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए हैं, हम लोग क्वेश्चन जो होंगे सारे डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं, यानी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है राम सेवक शर्मा। क्वेश्चन नंबर दो हम देखते हैं, प्रश्न नंबर दो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उनका नाम है अशोक चावला। क्वेश्चन नंबर तीन कि वर्तमान में भारत का जो कपड़ा मंत्री है यानी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, वो कौन है। टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है वो है स्मृति ईरानी जी। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं करंट में इस समय, उनका नाम है शशांक मनोहर। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, जो अभी अपॉइंट हुए हाल ही में, उनका नाम है सुनील कुमार अरोरा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है उनका क्या नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनका नाम है रजनीश कुमार। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है भारत का, भारत के जो वर्तमान खेल मंत्री हैं उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। आपने नाम बहुत ही सुना होगा कई बार, बहुत ही फेमस पर्सन है ये। क्वेश्चन नंबर एट, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अध्यक्ष हैं यानी जो चीफ हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम मिस्टर राजीव। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है, एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है इस समय। मानव संसाधन जो विकास मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्वेश्चन नंबर इलेवन हम देखते हैं कि जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। देखिए आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड्स सर्विस टैक्स जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो जो मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखते हैं कि होंडा जो कि एक फॉरेन कंपनी है, होंडा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, वो है अक्षय कुमार, जिनकी अभी हाल ही में रिसेंटली में मूवी आई है, आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं चीफ हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है जिम योंग किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सिवान। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उनका क्या नाम है। रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर जो हैं उनका नाम है उर्जित पटेल। इससे पहले रघुराम राजन जी थे, आप जानते होंगे, आप नोट में भी देख सकते हैं इनका सिग्नेचर इस समय है उर्जित पटेल जी का। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है रंजन गोगोई। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, ताकोहिको नकाओ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो एशियन एडीबी बैंक है इसमें बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं, इनके बहुत सारे मीटिंग होते हैं, समिट होती रहती है, तो ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सार्क का जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है। सार्क का जो हेडक्वार्टर पहले जान लीजिए वो कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में, और सार्क जो जनरल सेक्रेटरी इस समय है उनका नाम है अहमद हुसैन बी सियाल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं आप जानते हैं रामनाथ कोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत के रक्षा मंत्री, इनको भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, निर्मला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है। भारत इलेक्ट्रॉनिक जो चेयरमैन है इनका नाम है एम वी गौतम, या गौतमा भी कहीं पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 23, एफसीआई
पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफसीआई है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, योगेंद्र त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के रेल मंत्री वर्तमान समय में कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई पॉलिटिक्स रिलेटेड नहीं है, ये है एक संस्था के रिलेटेड जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सेबी। तो सेबी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। क्वेश्चन नंबर 26 कि थल थल सेना के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है विपिन रावत, यानी इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनका नाम है विपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 27 कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। नीति आयोग जानते हैं जो कि मोदी जी के अंडर में आता है, या इनके अध्यक्ष मोदी जी हैं नीति आयोग के, और नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि 29 नंबर का कि भारतीय टीम के जो मुख्य कोच इस समय कौन है, इंडिया क्रिकेट टीम के जो मेन कोच जिसको कहा जाता है उनका नाम है रवि शास्त्री जी। लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है इस समय, उनका नाम है एम थम्बू दुरई। क्वेश्चन नंबर 31 कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 32 कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, उनका क्या नाम है। वर्तमान में जो वायुसेना अध्यक्ष है उनका नाम है वीरेंद्र सिंह धनोआ। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, अतुल सोबती। क्वेश्चन नंबर 34 कि वर्तमान समय में भारत के जो विदेश सचिव हैं उनका क्या नाम, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उनका नाम विजय केशव गोखले। क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत का जो इस्पात मंत्री है वो कौन है, उनका नाम है चौधरी बिजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 36 LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है वीके शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है राशेश शाह। क्वेश्चन नंबर 39 इलाहाबाद बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, इलाहाबाद बैंक के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है SS मल्लिकार्जुन रॉय। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं जो कि इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है, यानी कि लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सार्क का जनरल सेक्रेटरी कौन है, सार्क का जनरल सेक्रेटरी उनका नाम है अहमद हुसैन बी सियाल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि नौसेना अध्यक्ष इस समय कौन है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुनील लांबा। क्वेश्चन नंबर 43 हम देखते हैं फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, फीफा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जियानी इंटिफेंटियो इनफेंटियो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं उनका क्या नाम है, टेड्रोस एडोनोम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45 नंबर का, DRDO के जो सचिव हैं उनका क्या नाम है, जी सातशीत रेड्डी जी हैं DRDO के सचिव। क्वेश्चन नंबर 46 CRPF के अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, CRPF के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव भटनागर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो प्रबंधन है निदेशक उनका क्या नाम है, प्रबंधक निदेशक का जो नाम है क्रिस्टिन लैग्रेट। क्वेश्चन नंबर 48 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चाहे जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, रोम इटली में। क्वेश्चन नंबर 49 SSC के जो अध्यक्ष हैं कौन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है असीम खुराना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 50 कि भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेंद्र बत्रा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, महिला भारतीय महिला बैंक के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं निदेशक हैं उनका क्या नाम है, महिला बैंक के जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है SM स्वाति जी। क्वेश्चन 52 वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के अध्यक्ष कौन है इस समय, उनका नाम है क्लाउस स्काउट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है कि दिल्ली मेट्रो आप जानते हैं, दिल्ली मेट्रो एक पूरी इंडिया की सबसे बड़ा नेटवर्क है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ द मेट्रो लाइन्स एंड मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा दिल्ली मेट्रो की है, और सेकंड नंबर है बेंगलोर आती है। तो दिल्ली मेट्रो निगम के जो MD हैं उनका नाम क्या है, मंगू सिंह। ठीक है 54 देखते हैं क्या है कि हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है JP नड्डा। क्वेश्चन नंबर 55 राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, महिला जो राष्ट्रीय महिला
आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 कि भारत के जो कृषि मंत्री इस समय हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है राधा मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो चेयरमैन है उनका नाम है एस रवि। क्वेश्चन नंबर 58 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो कौन है, उनका नाम है रॉबर्ट अजेवेडो। क्वेश्चन नंबर 59 भारत की महिला एवं विकास मंत्री कौन है इस समय का, मेनका गांधी जी है। क्वेश्चन नंबर 60 भारत के जो पेयजल है ड्रिंकिंग व अनसैनिटरी जो मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, उमा भारती जी हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सेंसर बोर्ड आप जानते हैं जहाँ से मूवी को लाइसेंस मिलता है रिलीज करने के लिए, उसे को चेक करने की जो एक संस्था है उसे सेंसर बोर्ड कहा जाता है। सेंसर कोई भी मूवी रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही मूवी रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 62 विप्रो कंपनी के जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, विप्रो कंपनी के जो चेयरमैन है उनका नाम है अजीम प्रेम जी, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 63 भारत के जो वित्त मंत्री कौन है आप जानते हैं, बहुत ही फेमस पर्सन अरुण जेटली जी। क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत के जो वाणिज्य मंत्री इस समय कौन है, सुरेश प्रभु जी हैं जो कि पहले रेलवे मंत्री रह चुके हैं इंडिया के, अभी इस समय जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपको मैंने पहले ही बता दिया निचली में कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मोदी जी, यानी सॉरी इस समय जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 66 कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है, तपन रे नाम है उनका। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि भारत के जो गृह मंत्री आप जानते हैं जिनके अंदर में मिनिस्ट्री आती है पूरी होम मिनिस्ट्री और जो डिफेंस की मिनिस्ट्री होती है पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री वो भी राजनाथ सिंह जी के अंडर में ही आती है। जल सल्थन जो हमारी सेनाएं हैं तीन, जल नव और थल सेना, ये सभी इनके अंडर में आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत के जो वर्तमान कानून मंत्री हैं वो कौन है, रविशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कि भारत के वर्तमान अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, भारत के जो वर्तमान अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, जो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है SB भिंडे। क्वेश्चन नंबर 71 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है गुरु प्रसाद मोहपात्र। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोल इंडिया लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अनिल कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, नरेंद्र मोहन। क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं जो कि इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय स्पर्धा प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, अशोक कुमार गुप्ता जी। क्वेश्चन नंबर 75 हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया यानी इंडिया की जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी है उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, अरुण कुमार। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जितने भी मिनिस्ट्री और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो सभी के सभी इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कवर करने के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी लेवल के पूछे जाते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी रैपिड डाल के सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए तो वहाँ पे इस वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा और आप इस वीडियो को आसानी से वहाँ से देख भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।